अगला जो अगली गिरारी है उसका मैंने कवर उतारा है, पीछे से मैंने पूरा चेन साफ किया है, और जो चेन ल्यू मैं लगाता हूँ उसकी जो छींटे थी वो सारी यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो मैंने सारा साफ किया है डीजल के साथ। अब ये वाला पूरा एरिया, अब यहाँ का जो एरिया ये सारा साफ हुआ, ये हाल। पहले मैंने चेन के बाहर वाला जो सर उसमें मैंने ऐड करवाई है, तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने जो चेन ड्यूब डाली है वो जो गिरारी के अंदर वाला हिस्सा है जो चेन पे लग रहा है मैं वहाँ पे लगा रहा हूँ। ये हो गया 1120। लो जी टैंक हो गया फुल, और अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े हैं सोलो राइड टू कश्मीर। जय श्योरली एक्सीडेंट हुआ ये लेफ्ट हैंड पे। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरावाला पहुंच गए हैं, अब यहाँ से मैं लूँगा गुजरावाला बाईपास, ये लेफ्ट साइड जो है यहाँ से गुजरावाला बाईपास। कराची बोलो इम्तियाज। यहाँ पे आपको एकोमोडेशन अच्छी मिल जाती है मैकडोनल्ड पे। ये भी जगह जो है ये है वजीराबाद टोल प्लाजा पे, यहाँ पे आपको ये जगह मिलेगी। और इसके बाद जो मेरा सेकंड स्टॉप होता है वो मुझे करना होता है जेहलम क्रॉस करने के बाद। अभी मैंने ये टोल प्लाजा क्रॉस किया, अभी ये साथ ही आगे आ जाएगा दरिया चिनाब। जेहलम टोल प्लाजा पे पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे करूँगा अपना पहला स्टे मैकडोनल्ड में। चलो भाई चलो 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 चलो। 3 घंटे की मुसलसल राइड के बाद पहला स्टे मैंने किया जेहलम में, और इसके बाद सीधा मैंने अपने कज़न की तरफ चलना है, वहाँ पे आके स्टे करूँगा। बेसिकली बाइक को रेस्ट की ज़रूरत होती है, बाइक को रेस्ट देना चाहिए और ख़ुद भी थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है। मेरे पास पानी की बोतल थी, मैंने सिर्फ पानी पिया। रास्ते में माशाल्लाह ना कोई नए नवेले थे बाइकर्स, वो रेस लगाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। अब बेसिकली 125 मैंने भी चलाई हुई है, अब 125 चलाते हुए यार आपको ना स्पीड लिमिट बरकरार रखनी पड़ती है। 100 की स्पीड होती है आपकी, 100 से ज़्यादा आप नहीं जाते, अपनी स्पीड लिमिट आपने बरकरार रखनी है। रेस्ट इज़ ओवर, निकलना रावलपिंडी के लिए। झेलम ओपीटी मैकडोनल्ड और सामने झेलम रिवर। चलो बिस्मिल्लाह। दूर दूर तो पानी का रिफ्लेक्शन पड़ जाए नहीं, लेकिन जिस टाइम जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे पानी है, मेरी आंखों से नज़र आ सकता है, यकीनी तौर पे इस कैमरे से नज़र नहीं आ सकता, पानी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। चलो जी वॉक कर लिया क्रॉस, और अब एंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद। टाइम हो गया है 2:30 बज गए,
और मैं पहुंच चुका हूं रावलपिंडी। अब बस यहां पे स्टे करना है और इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे कश्मीर के लिए। सुबह बखैर। डे टू। एक चीज़ मैं घर से लाना भूल गया, वो था ब्रश। डोंट फॉरगेट टू कैरी विद यू। अच्छा, 9:30 बजे मैं उठा हूँ, 5 घंटे मैंने नींद अपनी पूरी की है, तो यहाँ से मैं तकरीबन 10:30 बजे निकल जाऊँगा। टाइम इज ऑलमोस्ट 11 AM। यहाँ से फ्यूल रिफिल करना है। कैमरा भी ना लगे फुल फुल बिल्कुल अंदर सही चमड़ा है जैसे ही नहीं डर दस से नहीं है एक्सीडेंट हो जाए ना उदाना खास एक्सीडेंट हो जाए तो चोट लगन तो बचा लेंदा हमेशा यही चीज है और ना इधर शोल्डर है ना इतने भी ये चीज है लाहौर लाहौर तो 950 में टंकी फुल हुई है भाई। इस बार नहीं मिली वो माइलेज स्पीड क्योंकि मेरी ज़्यादा थी इसलिए माइलेज नहीं मिली और फ्यूल भी महंगा हो गया है। फ्यूल प्राइसेस आर टू हाई। राइट नाउ आई एम ऑन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। अब मैं गुजर रहा हूँ फैजाबाद इंटरचेंज से। यहाँ से मुझे लेफ्ट होना है और मुझे चलना है मरी रोड पे। सामने पेट्रोल मस्जिद है बिल्कुल सामने और मार्ग आ गया यहाँ से मैं टर्न ले रहा हूँ मरी रोड की तरफ। पहला ट्रैफिक जाम मुझे आगे वो राउंड अबाउट से आना है राइट साइड पे। खैर बाइक पे मैं निकल जाऊँगा। एक बात बताता हूँ 12 कहूँ जब आप क्रॉस करोगे तो ये पहला राउंड अबाउट आता है। अगर इसमें आपको थोड़े मज़े चाहिए तो आपने इस रोड पे सीधा चले जाना। ये रोड सीधा मरी ले जाएगी आपको अगर आपको थोड़े मज़े चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़े चाहिए तो आपने यहाँ से राइट होना। राइट साइड से भी आप मरी आ सकते हैं। राइट साइड वाली रोड जा रही है मरी एक्सप्रेस वे की। यहाँ से होना है मुझे लेफ्ट। यहाँ से रोड जा रही है अंगूरी के लिए। बिल्कुल नजर नहीं आ रहा तो इसलिए मैं ज़्यादा हॉर्न दे रहा हूँ। पहाड़ पे आपने मोड़ मुड़ते वक्त भी हॉर्न देना अपना मामूल बना गया। माशाल्लाह ओ हो ये जगह है मलाटा। क्या खूबसूरत जगह है। आगे जाके मैं मिलूँगा एक्सप्रेस वे के। अच्छा एक्सप्रेस वे से आप नीचे पत्रियाटा के लिए भी उतरते हैं वो जो सारा हिस्सा है वो उस साइड पे है। एक्सप्रेस वे भी मेरे लेफ्ट साइड पे चल रही है। मैं इसके जो ऑपोजिट जो पहाड़ी से आता है राइट साइड पे मैं वहाँ से होता हुआ। ओ वाह यार वाह सुभान अल्लाह। अच्छा खामोश एरिया माशाल्लाह स्पीड लोक है तो मैं यहाँ पे बाइक रोक नहीं सकता। अरे अंगूरी के रास्ते पे तो सरप्राइज ही मिल रहा है। कितनी खामोशी है यार। अच्छा इन ड्रग्स की मैं बात करूँ ये जो ड्रग्स है ना ड्रग्स ऐसे नहीं ड्रग्स इन ड्रग्सों की बात कर रहा था मैं जब मैंने वहाँ पीछे बताया था कि ये एक पहाड़ी छोड़ी दूसरी पहाड़ी के ना इस एरिया से पंच पीर रोड
चलो ट्रिप का वो याद आ रहा होगा लोगों को, ऐसे ही तरफ से। लेकिन जो रोड है वो अच्छी नहीं थी, खराब है। थोड़ी देर यहाँ बाइक रोकते हैं, बंद नहीं करता बाइक में, ये कर लूँ कर लेता हूँ। बाइक थोड़ी देर रुकी यहाँ पे, बंद किया। चलो अब थोड़ी पिक्चर्स ले लें। हाय अभी बेसिकली ना कान बंद है, आवाज़ इतनी नहीं आ रही है। तो सामने गाय भी बैठी है। अच्छा रास्ता है अभी ना ऊपर जाने का, पैदल जा सकते हैं। लेपर्ड आपका स्वागत भी कर सकता है। बाकी आने वालों के लिए मुश्किल खड़ी करके बाइक मेरी बंद होगी, स्टार्ट करो दोबारा। बहुत मुश्किल से आया हूँ वहाँ से नीचे, पहले गेयर के ऊपर सुन से आराम आराम से जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। यार ये अंगूरी का जो रास्ता है ना, इसने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया। व्यू जनाब, व्यू वाह माशाल्लाह। वो बच्चे नहा रहे हैं अंदर, नहीं बच्चे नहीं सिर्फ अंकल शंकल भी हैं। सारा दिल मेरा भी लेकिन सफर बहुत बड़ा है अभी। चलो सलाम अलैकुम, कितनी आ गई है मस्जिद? सीधा सीधा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलो जी मेन रोड से थोड़ा हटा हूँ मैं, मस्जिद शुक्र यहाँ पे मिल गई है और उठेंगे नमाज भी होने वाली है। सुबह से आया था मैं, कज़न को कह के निकला था कि जिम्मा में पढ़ूंगा इंशाल्लाह मुजफ्फराबाद। मैंने कहा जब आप पहुँच जाएंगे तो बताना मुझे। ये लग रही है मस्जिद, कोई भी नहीं है। मस्जिद तो ये है। सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। मस्जिद का रास्ता है नीचे से जी? मस्जिद का रास्ता नीचे से है जी, मस्जिद के लिए जाना है। मस्जिद मस्जिद नमाज पढ़नी है। वो नीचे खड़ा करूँ, नीचे खड़ा करूँ वो खड़ा नहीं है जी जी जी। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये आप गलत जा रहे हैं, गलत आ गया ना, ठीक है फिर कर।
अंकल ने कहा गलत आ गए, लोग लग भी रहा था। की गाड़ी को और यहाँ से बाइक मोड़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चला गया था। नमाज कितने बजे होगी अंकल जी? 2 बजे। 2 बजे अभी टाइम क्या हुआ? आप ऐसे करें ना जी, इसी सड़क पर आगे जाएंगे ना, बिल्कुल सड़क के ऊपर मस्जिद है। ठीक है, वो मेन रोड पे है? मैं इसी मेन रोड पे। ठीक है, आप पहुंच भी जाएंगे जी आसानी से जी। इधर आप लेट हो जाएंगे, 2:30 बजे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंकल आपका नाम क्या? साबिर नाम है। साबिर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेहरबानी, ये आप यहाँ से वहाँ से बस आगे सड़क जाती है। बहुत शुक्रिया। तकरीबन 2-3 किलोमीटर है। ठीक है, आप पहुँच जाएंगे वहाँ 1:30 बजे होता है, वहाँ 1:30 बजे होगा जुम्मा, वहाँ आप टाइम पर पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आमीन। और मैं वो वहाँ पे गिर गया नीचे। भाई को आपने अच्छी तैयार कराई है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुका हूँ मुजफ्फराबाद, और ये है मुजफ्फराबाद का फेमस ब्रिज।